नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किशोर टिकटॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि SBI बैंक का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर केयर नंबर क्या है और आप कैसे डायल करके बात कर सकते हो, और मैं बात करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, SBI के कस्टमर केयर नंबर निकालने के लिए आपको गूगल में जाना है और लिखना है SBI कस्टमर केयर नंबर। कस्टमर केयर नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद ऊपर में भी आ जाता है, तो उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पर दिखेगा है SBI.co.in और कॉन्टेक्ट अस कस्टमर केयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो टोल फ्री नंबर का लाइन आ गया है 1801234, 1821100, 1811211, 1800 425, 3800, ये सारे टोल फ्री नंबर है और नीचे एक टोल नंबर है। तो टोल फ्री नंबर मतलब आपके अगर सिम में बैलेंस रहेगा, आउट गोइंग और इनकमिंग कॉल अगर आपके सिम का चालू रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। और मैं वेबसाइट से इसलिए नंबर बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए, क्योंकि ये बैंक का मामला है, पैसे का लेन देन का मामला है, तो कोई भी आपको नंबर बताता है तो वेबसाइट से बताता है, तभी आप भरोसा करना। तो मैं ऊपर वाले नंबर पर ही कॉल कर लेता हूँ, 1801234, 1801234, और कॉल कर देना है। जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उससे, या तो आप बिना रजिस्टर्ड नंबर से भी कॉल कर सकते हो, लेकिन बिना रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करोगे तो काफ़ी सारा अपना डिटेल बताना पड़ेगा, जैसे अकाउंट नंबर, नाम, जो लोग वो लोग पूछेंगे वो बताना पड़ेगा, तब आपका हेल्प करेंगे। लेकिन रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करोगे तो आपको कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कॉल कर लेता हूँ। कामयाबी के लिए SBI की ओर से इसरो को ढेरों शुभकामनाएं। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडिया। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। तो दोस्तों, हिंदी के लिए 1 दबाना है आपको। प्रिय ग्राहक, जिस नंबर से आप कॉल कर रहे हैं वे हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम आपको सीमित सेवाएं ही प्रदान कर सकते हैं। हमारी सभी सेवाओं का लाभ लेने के लिए कृपया अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करें। अपने ATM कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते की शेष राशि प्राप्त करने और खाते के विवरण के लिए 1 दबाएं। ATM कार्ड और चेकबुक सेवाओं के लिए 2 दबाएं। SBI योनो, इंटरनेट बैंकिंग और ब्याज प्रमाण पत्र के लिए 3 दबाएं। ऋणों, डिपॉजिट, फीडबैक और शिकायतों के लिए 4 दबाएं। फिर से दोहराने के लिए स्टार दबाएं। तो दोस्तों, आपको 4 दबाना है। विभिन्न ब्याज दरों के लिए 1 दबाएं। जमा राशि और ऋण के लिए 2 दबाएं। नई शिकायत दर्ज कराने के लिए 4 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो दोस्तों, आपको 9 दबाना है। जैसा जैसा मैंने जो जो की दबाए वही दबाएं। हम ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करा रहे हैं, कृपया होल्ड कीजिए। ये कॉल हमारे गुणवत्ता विभाग के प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि OTP, CVV, ATM पिन, TPIN, यूजर नेम या पासवर्ड इस कॉल पर ईमेल के द्वारा या SMS के द्वारा किसी के साथ ना बांटें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं। आपका स्वागत है, मैं मुस्कान आपकी क्या सहायता कर सकती? नमस्ते मैम, मैंने कुछ दिन पहले अकाउंट खोला था तो वो अकाउंट अब लॉग इन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप SBI बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, और मैंने जितने नंबर आपको बताए वो सारे टोल फ्री नंबर थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।